वेलकम टू नीरज सेलिब्रिटी न्यूज़। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। आज ये ऐसे व्यक्ति हैं जो चार क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बंगाली फिल्मों में और बॉलीवुड फिल्मों में, और डायरेक्टर भी और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। और इस लाइफस्टाइल वीडियो में बात करेंगे परमव्रत चटर्जी की, ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति जो बहुत कम होते हैं। अगर आप परमव्रत चटर्जी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपको पता नहीं होगी। चलिए बात करते हैं नाम की। तो रियल नेम परमव्रत चटर्जी है। इनका जन्म 27 जून 1981 कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ है। 2020 के हिसाब से इनकी एज 39 साल हो गई है। चलिए बात करते हैं स्टडी की। तो डॉलना डे स्कूल कोलकाता में और पाथ भवन कोलकाता में। कॉलेज की बात कर जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रिस्टल यूनाइटेड। एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर इन फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रिस्टल यूनिवर्सिटी से की। फिजिकल की बात करते हैं तो इनकी हाइट 5 फीट 10 इंच है, और सेंटीमीटर बात करते हैं 178 सेंटीमीटर है, और वेट की बात करते हैं तो 70 केजी है। बॉडी मेजरमेंट की बात करते हैं तो चेस्ट 39 इंच है, वेस्ट 31 इंच है, बाइसेप्स 12 इंच है। आई कलर की बात करते हैं डार्क ब्राउन, हेयर कलर की बात करते हैं तो ब्लैक है। हॉबी की बात करते हैं तो सिंगिंग, रीडिंग और डांसिंग। नेशनलिटी की बात करते हैं इंडियन, रिलीजन की बात करते हैं हिंदू है। चलिए बात करते हैं कैरियर की। तो एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और टेलीविजन व्यक्ति। भारत के पश्चिम बंगाल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और परमव्रत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली टेलीविजन और फिल्मों से की थी। इन्होंने विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अभिनीत कहानी 2012 में अपनी हिंदी कैरियर की शुरुआत की। इन्होंने भालो थेको 2003 में भी काम किया है, जो विद्या बालन की पहली फिल्म थी। परमव्रत विश्व संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है, और कुछ बंगाली फिल्मों जैसे चाया मानुष, समतारल के लिए गाने गाए। 2006 में इन्होंने बॉबी की भूमिका में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दूसर में देखा गया था, और फिल्म का प्रीमियर कौन से फिल्म को फेस्टिवल में रिलीज किया गया, और फिर इन्होंने कई फिल्मों को निर्देशित किया। 2011 में इन्होंने श्रीजीत मुखर्जी की जासूस अभिजीत पखरासी की भूमिका निभाई, मनोवैज्ञानिक और थ्रिलर। यह फिल्म जो स्पष्ट रूप से हॉलीवुड फिल्म धर्मी मार से प्रेरित है, यह 2011 की सबसे अधिक कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से एक बन गई है। अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय बंगाल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ आलोचनाएं मिली। यह निर्देशक बनने के बाद अपनी पहली फिल्म भूतेर भविष्य फिल्म को सकारात्मक आलोचकों की समीक्षा के साथ बॉक्स ऑफिस पर खूब पसंद किया गया। 2013 में परमव्रत ने 3 फिल्मों में काम किया, एक मार्च मिस्टी और मोर और हवा बो डॉल में रखा गया है। उन्होंने अच्छी तरह से निर्देश किया। इनकी 2016 की फिल्म जुल्फिकार यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। यह लेखक के रूप में परमव्रत ने उन सभी फिल्मों को लिखा है जो इन्होंने निर्देशक की हैं। जियो काका 2011 में, हवा बो डॉल 2013 में, लोरी प्ली टू लाइफ 2013 में। डायरेक्टर बनने के बाद अभी तक के कैरियर में 9 फिल्में की हैं, और एक्टर बनने के बाद अभी तक के कैरियर में 20 फिल्में की हैं, और इन्होंने बहुत से सॉन्ग भी गाए हैं। प्रोफेशन की बात करते हैं तो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। अवार्ड्स की बात करते हैं तो स्क्रीन अवार्ड बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल 2012 में, स्क्रीन अवार्ड मोस्ट प्रोमिसिंग डेब्यू एक्टर 2013 में, जी सिनेमा अवार्ड पॉपुलर्स अवार्ड बेस्ट एक्टर इन द सपोर्टिंग रोल 2013 में। चलिए बात करते हैं फैमिली की। तो फादर्स नेम सतीश नाथ चटर्जी, जो एक बंगाली समाचार पत्र में फिल्म और संस्कृति संपादक और एक तबला वादक हैं। मदर्स नेम की बात करते हैं सुनेत्रा घटक, जो फिल्म क्रिटिक किडनी की विफलता के कारण डेथ हो गई है। ये अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। चलिए बात करते हैं गर्लफ्रेंड की। परमव्रत की अभिनेत्री सौसितिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, हालांकि उनका रिश्ता तब समाप्त हो गया जब परमव्रत ने डस चिकित्सक इके सौटन से डेटिंग शुरू की, जिससे वह क्रिस्टल में मिले, जहां पूर्व फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए गए थे। इनके बात करते हैं इनकम की। 2019 में इन्होंने 2 करोड़ रुपए की कमाई की। यह एक फिल्म का 1 करोड़ रुपए लेते हैं, प्रॉफिट में परसेंटेज लेते हैं। हेटवर्थ की बात करते हैं 25 करोड़ रुपए है। कार कलेक्शन की बात करते हैं तो ऑडी Q7 SUV प्राइस की बात करते हैं 80 लाख रुपए, BMW 7 प्राइस की बात करते हैं 1 करोड़ रुपए, जीप कंपास प्राइस की बात करते हैं 22 लाख रुपए। परमव्रत चटर्जी की लाइफस्टाइल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।